गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट DLN के YouTube चैनल पर मैं सुधीर मौर्य आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, जितने भी नए स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे हर एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिलते रहें। साथियों, हमारा जो चैनल है एकमात्र ऐसा चैनल है जो पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और सर्वाधिक परिणाम देने वाली संस्था है। आज की जो टेस्ट सीरीज है उसमें हमने आपको महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की श्रृंखला के सेट को तैयार किया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे खासतौर से पर्यावरण, ज्योग्राफी यानी इनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपरों में ट्रेंड करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं या फिर हमारे जो भी अपने पुराने स्टूडेंट हैं, आप जल्दी से लाइव चैट के लिए आ जाएं और वहाँ पर हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर के साथ और विकल्प के साथ यहाँ पर सबमिट करते रहें। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप सभी तैयार हैं और जहाँ पर भी संभव होगा मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने का भी प्रयास करूँगा। आप देख सकते हैं आज की टेस्ट सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक मार्ग का संबंध है, आपके विकल्प है गुणवत्ता से, बी ऑप्शन है पैकेजिंग से, सी ऑप्शन है संसाधन से या फिर डी ऑप्शन है उत्पादन से। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को कि एक मार्ग का जो संबंध है वो किससे है। साथियों, आज की टेस्ट सीरीज के जो 30 प्रश्न हैं वो सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका हर एक एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से सामना जरूर होगा। आप सभी अपना आंसर बताते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो एक है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, गुणवत्ता से। कहा जाता है कि जो एक मार्क है एक प्रमाणिक चिन्ह है जो कि भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रतीक को दर्शाता है, जबकि इसकी स्थापना है वो कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत की गई थी। आप ध्यान रखेंगे इसे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख सकते हैं आप कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। आपके विकल्प हैं ऑप्शन ए जर्मनी, बी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, सी ऑप्शन है यूएसए या फिर डी ऑप्शन है यूएसएसआर। आप सभी क्वेश्चन नंबर के साथ विकल्प को केवल एक बार लिखा करें। देखिए क्वेश्चन जो सेकंड है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यूएसएसआर, जिसे आप रूस भी कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये भाग 4A में है और इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 51A में किया गया है। तो ध्यान रखेंगे साथियों, यूएसएसआर से लिया गया है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे लिया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और इसे भाग 4A के आर्टिकल 51A में रखा गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हुए जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। आपके विकल्प है 305, 275, 206 या फिर 175। बिल्कुल, आप यहां देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 206। यहाँ पे आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन को भी समझने का प्रयास करें कि मानव अस्थि शरीर का आंतरिक भाग होता है। जन्म के समय बच्चे के शरीर में 270 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन वयस्क अवस्था में कुछ हड्डियों के आपस में जुड़ जाने के कारण इनकी संख्या स्थायी रूप से 206 हो जाती है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चार आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आपको बताना है भारत के किस राज्य में। आपके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर चार आप देख सकते हैं कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस क्षेत्र में है।
क्वेश्चन नंबर जो 4 से साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे आप इस पॉइंट्स को थोड़ा समझने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं कि आर्सेनिक जो होती है कि एक गंधहीन एवं स्वाद रहित उपधातु है जो पृथ्वी की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यदि जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए तो इससे कई बीमारियाँ जैसे कि त्वचा का फटना, केरोटोइस, त्वचा का कैंसर इत्यादि रोग हो जाते हैं। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के कछारीय क्षेत्रों के भूजल में आर्सेनिक की सांद्रता अधिक पाई जाती है। आर्सेनिक से सर्वाधिक जल प्रदूषण पश्चिम बंगाल तथा उसके पश्चात बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 4th है, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th है, ध्रुव तारा कहा जाता है। आपके विकल्प है उत्तरी तारे को, बी ऑप्शन है दक्षिणी तारे को, सी ऑप्शन है पूर्वी तारे को तथा डी ऑप्शन है पश्चिमी तारे को। साथियों, आज से जो मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज 30 प्रश्नों की शुरू कर रहा हूँ, आप इसे निश्चित मैं कहूँगा कि आप एक नोट्स बना लें, हर एक क्वेश्चन का आंसर को साथ साथ लिखते चलें। आप देखेंगे कि ये हमारे जो अपने गेस्ट क्वेश्चन होते हैं आपको निश्चित तौर पे आगामी परीक्षाओं में मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5th है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव को। यहाँ आप ध्यान देंगे इसे कि ध्रुव तारा को पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी कहा जाता है। यह सदैव रात्रि में उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है। अतः इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5th का, वो होगा आपका ऑप्शन ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। आपके विकल्प है न्यूयॉर्क में, बी ऑप्शन है सिडनी में, सी ऑप्शन है एम्स्टर्डम में या फिर डी ऑप्शन है नागासाकी में। आप विकल्पों को देखें फिर क्वेश्चन नंबर के साथ इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर जो 6 से साथियों, इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, एम्स्टर्डम। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण चेतना या जागरूकता से संबंधित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। यह एक गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे, और इसकी जो स्थापना है मैंने आपको बताया 1971। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7th देख सकते हैं अब, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। आपके विकल्प है वर्ष 1960, वर्ष 1962, वर्ष 1972 या फिर वर्ष 1975 में। आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादातर ये सब क्वेश्चन जो है ये पर्यावरण सेक्शन में माने जाते हैं और उनसे ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th आप देख सकते हैं, इसका जो आंसर है साथियों कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, 1972। आप यहाँ इसे समझ सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने हेतु एवं पौधों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू है। जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग वन्य जीव अधिनियम है, ये आप ध्यान रखेंगे इस बात को। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8th देख सकते हैं आप कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। आपके विकल्प है वर्ष 1972, वर्ष 1973 या फिर वर्ष 1981 या फिर डी ऑप्शन है वर्ष 1985 में। आपने बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब हुआ। आप देख सकते हैं आंसर जो होगा इसका होगा वर्ष 1973 यानी ऑप्शन बी। बाघों की घटती संख्या को देखते हुए एवं इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। आरंभ में केवल इसके अंतर्गत केवल 9 बाघ अभयारण्य सम्मिलित किए गए थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या जो है वो 32 हो गई है। तो ध्यान रखेंगे साथियों कि प्रोजेक्ट टाइगर है वर्ष 1973 में शुरू किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान
आपके खाली स्थान है का ऑक्सीकरण एवं फिर से खाली स्थान का अपचयन होता है। आपके ये जो चार विकल्प हैं वो दिए गए, इन चारों विकल्पों को आप देखिए और जो दोनों रिक्त स्थान हैं आप बताएं वहाँ पे क्या भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, जल एवं NADP। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 9 है कि प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे भोजन बनाने के समय सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से खनिज लवण प्राप्त करते। इस अभिक्रिया में जल एवं ऑक्सीजन मुक्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जल का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन होता है, इसलिए ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका होगा आंसर ए। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं आप कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके विकल्प हैं प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है आसवन, सी ऑप्शन है किण्वन या फिर डी ऑप्शन है स्टरलाइजेशन। आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के और यहां से आपको इसका आंसर बताना है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 10 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। दूध से दही बनाना एक रासायनिक अभिक्रिया है और इसे ध्यान रखेंगे लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। तो यहाँ इसमें जो भी संभव हो सकता है एक्सप्लेनेशन वो मैंने आपको दिया। आप वीडियो को एक से दो बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं साथियों, आपकी फूलों की घाटी अवस्थित है। आपके विकल्प है जम्मू कश्मीर में, बी ऑप्शन है हिमाचल में, सी ऑप्शन है सिक्किम में या फिर डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। आपको बताना है कि फ्लावर्स वैली यानी फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी उत्तराखंड में। यहाँ ध्यान रखेंगे आप साथियों कि जो फूलों की घाटी है एक राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। सर्वप्रथम इस घाटी का पता ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ एवं RL होल्ड सर्वर्थ ने लगाया था। यहाँ 500 से अधिक फूलों की प्रजाति पाई जाती है, इसी कारण इसे फ्लावर्स वैली या फूलों की घाटी भी कहते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं आप कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। आपके विकल्प है यह एक स्वच्छ ईंधन है, बी ऑप्शन है यह उच्च ऊष्मीय मान का है या फिर सी ऑप्शन है यह नीली ज्वाला से जलने वाला है या फिर डी ऑप्शन है वह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर करें। आपको बताना था कि कौन सा इसमें सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यह मीथेन उत्सर्जित करने वाला है, ये कथन सत्य नहीं है। आप इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे कि LPG जो है एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है जो प्रोपेन एवं ब्यूटेन, ध्यान रखेंगे प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती है, यह स्वच्छ ईंधन का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देख सकते हैं, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे आप देखेंगे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। आपके विकल्प है UVA यानी अल्ट्रावायलेट ए किरण या फिर UVB या फिर UVC या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यूवी से तात्पर्य है अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी। क्वेश्चन नंबर जो 13 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट ए।
ये ध्यान रखेंगे। पराबैंगनी किरणों में भी कई कैटेगरियाँ होती हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट जो ए होती हैं वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं आप कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसली में, हवाई में, इंडीज़ में या फिर रॉकीज़ में। आपको बताना है कि कोटोपैक्सी जो है एक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इंडीज़ में। यहाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जिन्हें पता हो वो कमेंट सेक्शन में आके बताते रहे कि जो इंडीज़ है वो किस महाद्वीप में पड़ेगा। चलिए आप इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। कोटोपैक्सी एक सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है जो इंडीज़ पर्वत पर स्थित है। यह दक्षिणी अमेरिका के इक्वेडोर में स्थित है। यह विश्व के सबसे ऊँचे ज्वालामुखियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं आप कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ये किसकी रचना है? अरस्तू की है, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या फिर रॉबर्ट हुक। आपको बताना है कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, चार्ल्स डार्विन। यहाँ आप डिटेल समझ सकते हैं कि जो चार्ल्स डार्विन है एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी भूविज्ञान एवं जीव विज्ञानी थे। डार्विन का मानना था कि प्रकृति अपना क्रमिक विकास करती है। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति को प्रकाशित किया था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं आपके, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। आपके विकल्प है प्रोटीन, मृदा, कवक या फिर फास्फोरस। आप देख सकते हैं साथियों कि आज की जो टेस्ट सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। आप इन्हें जरूर नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आप सभी आंसर बताएं। बिल्कुल देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कवक। आपसे पूछा था कि कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो वो है आपका कवक। आप इसे समझ सकते हैं, कवक एक प्रकार का पौधा है जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। यह जीवों का विशाल समुदाय है जो वनस्पति जगत में वर्गीकृत किया जाता है। आप इसे देखेंगे, इसे वनस्पति जगत में वर्गीकृत किया जाता है। यह पर्णहरिम रहित पौधा है। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है बल्कि यह एक परजीवी पौधा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17 जिसे आप सभी जानते भी होंगे कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। आपके विकल्प है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु। बिल्कुल साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आप देख सकते हैं, इसको मैंने ऐसे राउंड किया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 कई बार पेपरों में पूछा गया कि जो मकर रेखा है उसकी स्थिति क्या है। आपके विकल्प हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, बी ऑप्शन है 22.5 डिग्री नॉर्थ या फिर सी ऑप्शन है 23.5 डिग्री साउथ या फिर डी ऑप्शन है 23 डिग्री साउथ। आपको बताना है कि मकर रेखा की जो अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है। बिल्कुल आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 18 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री साउथ। हालांकि इसका मैं पहले भी आपसे एक बार जिक्र कर चुका हूं, आप देख सकते हैं इसे, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। मकर रेखा पृथ्वी की अधिकतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। आप ध्यान रखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं कि गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है। आपके विकल्प है गुजरात, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश या फिर डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। आपको बताना है कि गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है।
देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए गुजरात। ये लगभग सबका सही भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए गुजरात। ध्यान रखेंगे कि गुजरात के जूनागढ़ में गीर सेत परियोजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 ध्यान रखेंगे 1972 वर्ष 1972 में स्थापित की गई थी। यह वन्य जीव अभयारण्य शेरों के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष बहुत बड़ी संख्या में पशु यहाँ भोजन की तलाश में आते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आप। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। आपके विकल्प है ए शाकाहारी, बी ऑप्शन है मांसाहारी, जबकि सी ऑप्शन है जीवाणु, या फिर डी ऑप्शन है मांसाहारी या शाकाहारी। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी मांसाहारी। इसे आप थोड़ा समझेंगे कि घास या भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का जो उपभोक्ता होता है उसे हम मांसाहारी कहते हैं, ये होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देख सकते हैं आपकी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। आपके विकल्प है ए ऑप्शन है जिनेवा में, बी है हेग में, सी है न्यूयॉर्क में, या फिर डी है पेरिस में। आप क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जल्दी बताते रहें। और साथियों मैं चाहूँगा कि आप जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर जो लोग कमेंट सेक्शन में आके आंसर नहीं करें वो निश्चित तौर पे करें, क्योंकि आपके कमेंट आंसर करने से ही आपको उन प्रश्न के सही या गलत होने का अनुमान या फिर समझ हो पाती है। इसके अलावा आप हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक भी ज़रूर करते रहें, शेयर भी करते रहें, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। बिल्कुल आप यहाँ थोड़ा इसका एक्सप्लेन भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी हेग। ध्यान रखेंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्राधीन न्यायिक संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। वर्ष 1946 में आप ध्यान रखेंगे वर्ष 1946 में इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। इसमें सामान्य सभा का द्वारा ध्यान रखेंगे इसमें सामान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ये आप क्लियर रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं आपकी। WWF से क्या आशय है। वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर वर्ल्ड वॉच फंड। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 22 की WWF से क्या आशय है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 22 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। आप देखेंगे कि यह एक विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है, जो कि 29 अप्रैल 1961 वर्ष 1961 में अस्तित्व में आया। यह पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान से संबंधित कार्य करती है और इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं आपकी। वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, या फिर आयन मंडल। आपको बताना है कि वायुमंडल का वो सबसे प्रमुख स्तर कौन सा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है साथियों इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, जिसे आप ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल जैवमंडलीय पारिस्थितिकी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो इसी मंडल में होती है। इसमें प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं आप कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ज्ञान को कब अपनाया। सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 एक बार दोबारा सुन लें आप कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ज्ञान को कब अपनाया। आपके विकल्प है 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, या फिर डी ऑप्शन है 13 नवंबर 1949 को।
मैं यहाँ आपको प्रश्नों के प्रश्न का उत्तर के साथ साथ उसके एक्सप्लेन के माध्यम से और भी उसके कई पहलुओं को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 24 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950। आप यहाँ इसे ध्यान रखेंगे कि जनगणमन भारत का राष्ट्रगान है जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इसे सर्वप्रथम वर्ष 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान की जो अवधि है वो 52 सेकेंड है। साथ ही संविधान सभा में हिंदी भाषा में राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक मैंने आपको वर्ष 1911 का जिक्र किया, ये वो समय है जब भारत की जो राजधानी है वो बंगाल से शिफ्ट कर दिल्ली कर दी गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 कि गंगा नदी निकलती है। आपके विकल्प है अरावली श्रेणी से, बी ऑप्शन है लद्दाख ग्लेशियर से, सी है गंगोत्री ग्लेशियर से, या फिर डी है मिलाप ग्लेशियर से। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 25 से साथियों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, गंगोत्री ग्लेशियर से। प्लेन को आप ध्यान रखेंगे कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है वो आप देखेंगे वो है 25-25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर, जो कि उत्तराखंड स्थित गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद से निकलती है। इसे भारत की पवित्र नदी कहा जाता है। मीठे जल में पाए जाने वाली दुर्लभ डॉल्फिन यहाँ पाई जाती है। जब यह नदी निकलती है तो इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और जब भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा मिलती है उसे हम गंगा कहते हैं। मुख्य रूप से इसका जो बहाव क्षेत्र है वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। उम्मीद है गंगा नदी से संबंधित आप कई सारे पॉइंट्स को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। आपके विकल्प है 3, बी ऑप्शन है 4, या फिर सी ऑप्शन है 5, या फिर डी ऑप्शन है 6। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 26 से साथ है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 5। 5 जो देश हैं वो स्थायी सदस्य माने जाते हैं, और ये 5 जो देश हैं वो है क्रमशः अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एवं चीन। आप ध्यान रखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27 आप देख सकते हैं कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। आपके विकल्प है जयपुर, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है जोधपुर, या फिर डी ऑप्शन है अजमेर। क्वेश्चन नंबर जो 27 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, आप देखिए सॉरी ऑप्शन डी है अजमेर। अजमेर में जो है वो पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 देख सकते हैं आप कि भारत में, क्वेश्चन नंबर जो 28 है साथियों कि भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। आपके विकल्प है ग्रीन ट्रिब्यूनल, बी ऑप्शन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी ऑप्शन है केंद्रीय जल आयोग, या फिर डी ऑप्शन है सर्वे ऑफ इंडिया। आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं, और आपके जो विकल्प थे कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आप इन दो विकल्पों में से ही बता सकते हैं, क्योंकि बाकी जो सी और डी विकल्प हैं वो इसके बिल्कुल संभवतः आंसर नहीं है। और इसे आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जिसे आप जानते भी कि केंद्रीय प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड है ये प्रदूषण मापने की भारत में इकाई है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 आप देख सकते हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। आपके विकल्प हैं पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है राजस्थान, या फिर डी ऑप्शन है असम। क्वेश्चन नंबर जो 29 से जाते हो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, राजस्थान में। आप ध्यान रखेंगे जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ रिजर्व है ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह अभयारण्य बंदर की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा वर्ष 1955 में दिया गया था।
तो ध्यान रखेंगे जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो है कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की टेस्ट सीरीज का जो अंतिम प्रश्न है उसे आप देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। आपके विकल्प है ATP, बी ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, सी ऑप्शन है DNA या फिर डी ऑप्शन है RNA। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप देखेंगे ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश। आप देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का बृहत स्रोत जो है वो सूर्य का प्रकाश है। इसके जो प्रमुख उत्पादक हैं देखेंगे इससे, वो पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। तो साथियों ये तो था आज की जो टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो हो सकते थे वो मैंने आपको सॉल्व कराए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये टेस्ट सीरीज जो है वो निश्चित तौर पर पसंद आया होगा। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इन्हें आप जरूर नोट कर लेंगे, इनके एक्सप्लेनेशन को आप एक से दो बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे, तो आप निश्चित तौर पे सबसे जो बेहतर क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आपसे रिपीट किए जाते हैं, चाहे वो आपका आगामी खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर हो या फिर UPSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या फिर आगामी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश SI का एग्ज़ाम है, लेखपाल का एग्ज़ाम है, वहाँ भी इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो आप निश्चित तौर पे इस वीडियो को एक से दो बार देखें, और हाँ अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें साथियों। ठीक है साथियों, तो चलने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं वो पहले की तरह ज़रूर से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है ये पूरी तरीके से आपके लिए ही बनाया गया और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है साथियों, तो आज की टेस्ट सीरीज कैसा लगा आप हमें फीडबैक में ज़रूर बताते रहें, और साथ ही साथ आज की टेस्ट सीरीज के जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे हम इसके एक नए सेट के साथ 30 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।